हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सअप कीबोर्ड को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं या स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं व्हाट्सअप। यहां से मैं किसी भी चैट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चैट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस चैट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यदि आपके व्हाट्सअप के कीबोर्ड में इस टाइप के आइकन पहले से बने हैं तो आपके लिए ये फीचर बहुत आसान है। इसका यूज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि इस टाइप के आइकन आपके व्हाट्सअप कीबोर्ड में नहीं बने हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने व्हाट्सअप के कीबोर्ड में इस तरीके के आइकन ला सकते हैं। तो चलिए, इस आइकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस टाइप की स्क्रीन आएगी आपके सामने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारे कीबोर्ड के स्टाइल मौजूद हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसको अप्लाई करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका। अब देखते हैं कि ये जो कीवर्ड हमने सिलेक्ट किया वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और फिर चैट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस हमने कीबोर्ड को वहाँ से सिलेक्ट किया था वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके WhatsApp कीबोर्ड में इस टाइप का आइकन नहीं है तो आप कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे टच पाल कीबोर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्सेप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद यह इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इनेबल टच पाल। यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी, इस पर ओके। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टच पाल। अब कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे देखिए बॉटम राइट में स्कीप का बटन दिया है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। इस टाइप का स्क्रीन यदि ओपन हो जाए, इसका मतलब समझ लीजिए कि कीबोर्ड आपके मोबाइल पे एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ से किसी भी चैट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ चैट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सअप कीबोर्ड का स्टाइल चेंज हो चुका है। अब यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इस आइकन पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। तो इस टाइप से दोस्तों आप अपने व्हाट्सअप को और भी डेकोरेटिव बना सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।